दादाजी, आपके ये हाल देखकर मुझे दुख तो बहुत हो रहा है। अब पता नहीं सत्या को पुलिस कब तक अंदर रखेगी। उसने काम ही ऐसा किया है। ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट उसे फांसी की सजा सुना दे। रेप के चार्जेस है ना, सजा तो बनती है। एक बात आज मैं तुम्हें बताता हूं, मैं मजबूर हूं, अपाहिज, कुछ कर नहीं सकता। मैं हाथ जोड़ता हूं, तुम मेरे घर और माही को बख्श, तुम जो कहोगी मैं करूंगा। ठीक है दादाजी, तो आप इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। जल्दी कीजिए दादाजी, टाइम वेस्ट हो। हे भगवान, ये खुराना जी से कौन से पेपर्स पे साइन करवा रही है? पेपर्स आंटी जी, जाके दरवाजा खोलिए। Thank you so much. Thank you. आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। Thank God सत्या, सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक चल रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि करीना इस तरह प्रॉपर्टी पेपर साइन करवाएगी। लेकिन मुझे लगता है हमें ये ड्रामा कुछ दिन और एक्सटेंड करना पड़ेगा, तब जाके तुम प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा पाओगे। और सत्या, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूं वो कम ही होगा। कैंसर? जी सत्या जी, इन्हें बोन मैरो कैंसर है। हमने आपको इसीलिए कॉल करके यहाँ बुलाया है कि इनका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करना बहुत जरूरी है। हाँ तो आप बताइए हम क्या कर सकते हैं। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। देखिए सत्या जी, इसका तो एक ही तरीका है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, लेकिन इसके लिए हमें डोनर ढूंढना पड़ेगा। हाँ तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, मैं बनूंगा डोनर। आप मुझे बताइए मुझे कौन से कागज पे साइन करना है। जो आप बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ।
बस कुछ भी करके मेरी सासू मम्मी को बचाइए। वेरी गुड, लेकिन सत्या जी एक पेनफुल सर्जरी है, डोनर के लिए भी आपको काफी दिनों तक बहुत तकलीफ में रहना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, अपनी जिंदगी में हजार बार हजार तकलीफें देखी है मैंने, अगर जरा सी तकलीफ से मेरी सासू मम्मी की जान बच सकती है तो मैं वो तकलीफ हजार बार सहने को तैयार हूं। अब तैयारी कीजिए। मामी दीदा छोड़िए, क्या कर रही है आप ये सब? दादू मम्मी छोड़िए, उठिए, कोई काम नहीं करेगा घर में इस तरह से। काम तो इन्हें करना पड़ेगा, वरना मुफ्त में मैं तुम सब लोगों को अपने घर में क्यों रखूंगी? सत्या डालिंग, बेबी तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे काम नहीं करवाऊंगी, तुम तो सिर्फ मेरी सेवा के लिए। पर हाँ, ये लोग ये घर के कामों से बच सकते हैं, बस मेरी छोटी सी बात मान, जिस तरह तुम्हारे दादाजी ने प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन किया है उस तरह तुम डिवोर्स पेपर्स पे साइन करके मुझसे शादी कर लो। तुम्हारे मोहताज नहीं हम लोग, खुद को पाल सकते हैं। ये सच है खुराना साहब, सत्या ने हमारे साथ जाने से इनकार कर दिया है, वो यहीं रहेगा करीना के पास, उसे यहाँ की ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, हमारे साथ वह झोपड़े में नहीं जाएगा वो। अरे सच कह रही हूँ मैं, मेरी बात पर यकीन नहीं है तो पूछ लो माई से। क्यों माई, सच कह रही हूँ ना मैं? लो सत्य आ गया, खुद ही पूछ लो उससे। कारण जल्दी से अपना सामान बांधो, वी हैव टू लीव दिस प्लेस राइट नाउ। दादाजी कितनी आसानी से आपने कह दिया सामान पैक करो और चलो यहां से। अरे क्यों चले, ये हमारा घर है, उस करीना का घर थोड़ी है। आपका घर है, आपने अपनी मेहनत से बनाया, मेरे बाबा ने अपनी मेहनत से बनाया, ये मेरी जायदाद है, मेरा घर है, ये क्यों छोड़ के चला जाऊं मैं? सारी जिंदगी चौल में बिताई है मैंने, क्यों यहां आया हूं? इसलिए कि वापस चौल में चला जाऊं? क्या बात कर रहे हैं दादाजी, चौल में रहना क्या होता है आपको मालूम भी है? खाने से लेकर पानी से लेकर सांस लेने तक की किल्लत है वहां पे, हर चीज के लिए लाइन लगानी पड़ती है, मुझसे ये सब वापस नहीं होगा। सासू मम्मी मेरे परिवार के यहां से चले जाने के बाद इस लड़ाई में सिर्फ मैं और करीना रह जाएंगे, और फिर मौका मिलते ही मैं उसे हमारे घर से, हमारी जिंदगी से जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंक दूंगा। ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है सत्या, हिम्मत रखने का है।